Sir, I would also like you to speak on the initiatives you have taken specifically under your tenure on the Ramayana circuit, Buddhist circuit, and creating a proper connectivity so that the experience of both domestic and a foreign tourist is wholesome and satisfactory in nature. मैं आप लोग बस चला रहे हैं। अगर आप चलाने को आ गए तो मैं ट्रेन भी देऊंगा आप लोगों को। एक ट्रेन अभी 3,500 कोचेस रेडी किया हूँ। अगर आप लोग ट्रेन भी लीजिए, सर्किट के चलाइए। मैं एक अंबेडकर सर्किट के नाम पर चला रहा हूँ, बुद्धिस्ट सर्किट के नाम पर चला रहा हूँ। एक दिल्ली से शुरू हो गया रामायण सर्किट, नेपाल जाके जनकपुरी से लेके आखिरी में तेलंगाना भद्राचलम राम मंदिर तक गए। ऐसा सर्किट भी चला। मैं ट्रेन भी देने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। एक एक ट्रेन में जो कोचेस रहते हैं, एक कोच में डाइनिंग हॉल बनाइए, एक कोच में सिनेमा थिएटर का जैसा बनाइए, एक कोच में लाइब्रेरी बनाइए। ऐसा जितने कोचेस चाहिए, जैसा बनाना चाहिए वैसा कन्वर्ट करके ट्रेन भी चलाने के लिए तैयार करो। इसलिए आने वाले दिन में टूरिज़्म के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और काम करना है, बहुत कुछ करना है। अभी वी कंप्लीटेड ओनली 5%, 95% टूरिज़्म डेस्टिनेशन में काम करने का है। एक नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी भी लाने वाला है। अभी हमारे पास, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज तक पार्लियामेंट में टूरिज़्म के बारे में कोई एक्ट नहीं है, कोई भी एक्ट नहीं है। 75 इयर्स हो गया, टूरिज्म के बारे में एक भी एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हुआ है। जवाब देते रहते हैं, टूरिज्म कैसा चल रहा है, टूरिज्म कैसा है, कोई प्रॉब्लम हुआ, ये चर्चा करते हैं, मगर कोई एक्ट नहीं है। अभी पहली बार एक नेशनल टूरिज्म कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने वाले हैं, एक नेशनल टूरिज्म बोर्ड बनाने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा और एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम जरूर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है ना तो स्टेट लिस्ट में, ऐसी चल रहा है टूरिज्म। So you have taken a lot of interest in Northeast. Northeast traditionally has been a very ignored area. A lot of people wanted to go to Northeast, but they didn't know how to go to Northeast. Lohit, the bird Hornbill festival, or you know, places in far off Assam like Margarita. People had no idea. Can you just take us through the sort of work you have done under the vision of Prime Minister Modi in opening up Northeast to the domestic tourists and as well as those foreigners who have no idea how diverse, beautiful and nationally integrated Northeast is with the Indian mainstream sentiment? लोगों को ब्रांडिंग करना और पब्लिसिटी करना ये तो ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट रखना। नॉर्थ ईस्ट में इतने साल एनवायरनमेंट नहीं था। मैं अभी बताया था मेरा भाषण में, 20-20 दिन चक्का जाम होता था, कर्फ्यू रहते थे, फायरिंग होता थे, जो गाड़ियाँ जाते हैं लारी रोककर बंदूक बताकर उसमें लारी के अंदर जितने भी सामान लूटते थे, ये स्थिति था। अभी आपको वातावरण बदल गए। लगभग 10,000 मिलिटेंट्स जो इंसर्जेंसी के ग्रुप में रहते थे, बंदूक छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए। पेपर के ऊपर डेवलपमेंट होता था मगर फील्ड के ऊपर डेवलपमेंट होता है। अभी जियो टैगिंग कर रहे हैं, हर छोटे छोटे वर्क भी हम जियो टैगिंग के द्वारा, काम हो रहे नहीं हो रहे हम काम देख रहे हैं अभी। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स बनाए, नया एयरपोर्ट शुरुआत हो गया। अभी नेशनल हाईवेज कनेक्टिविटी हर स्टेट कैपिटल से अच्छा जोड़े हैं, जिला हेडक्वार्टर्स भी नेशनल हाईवेज के साथ जोड़ रहे हैं हम। अभी फ्लाइट्स चल रहे, हेलीपैड्स बना रहे, हेली टैक्सी चलाने वाले हैं, क्योंकि पहले वातावरण के कारण फ्लाइट्स, हेलीकॉप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहते थे। कभी फ्लाइट्स बंद होता पता नहीं, कभी हेलीकॉप्टर कैंसिल होता पता नहीं, बुकिंग करने के बाद भी बरसात के कारण, एनवायरनमेंट के कारण वो कैंसिल होता था। अभी एक विश्वास हो गया नेशनल हाईवेज होने के बाद, मैं ज़रूर मंजिल पे समय पे पहुंचूंगा, बरसात आने दो कोई भी आने दो मैं पहुंचूंगा, एक घंटा इधर उधर। ऐसी कनेक्टिविटी, ट्रेन अगर आए तो ट्रेन का कनेक्टिविटी बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट में टूरिज़्म और बहुत बड़ी विश्वास है। अभी आज तक टूरिज़्म सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी अभी मैं होटल वालों से, स्टार होटल वालों से बातचीत करे, मीटिंग्स किया हूँ। थोड़ा होटल्स, नया होटल्स भी शुरुआत होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का फेस टूरिज़्म का बदलेंगे। मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आपका प्लस लैंड नहीं देते होटल बनाने के लिए, कोई ऑफिस बनाने के लिए लैंड नहीं मिलता है, क्योंकि लैंड पॉलिसीज अलग अलग 8 स्टेट्स से नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग पॉलिसीज है। लैंड पॉलिसी होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होना चाहिए, क्या सब्सिडी होगा, क्या क्या लैंड बैंक बनाना चाहिए, पूल्स लैंड पूल सेंटर होना चाहिए। ऐसा उनसे चीफ मिनिस्टर से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे। मेरे को पूरा विश्वास है नॉर्थ ईस्ट, न्यूजीलैंड जाते हैं लोग, स्विट्जरलैंड जाते हैं, मगर उससे अच्छे एनवायरनमेंट सीन नेचर नॉर्थ ईस्ट में दिखते हैं। न्यूजीलैंड जाने का जरूरत नहीं है, स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं है, अफ्रीकन कंट्री जाने का जरूरत नहीं, उतने अच्छे सीन्स हमारे। अभी मैं जो रोड साइड 100 रोड साइड अम्यूनिटी सेंटर्स बना रहा हूँ, ऑलरेडी लगभग 46 का टेंडर भी हो गया। क्योंकि मैं पहली बार जब मंत्री बनने के बाद मैं गुवाहाटी से शिलोंग गया, एक जगह भी कोई हमारा बहन आती है, माता आती है, कोई अगर टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, इधर से 3 घंटे तक अगर कोई महिला है तो बहुत मुश्किल होता है। फिर वो दिन मैं महसूस किया हूँ, महसूस करने के बाद अभी रोड साइड अम्यूनिटीज़ 100 सेंटर्स बना रहा हूँ मैं, नेक्स्ट ईयर तक पूरा होगा वो। अभी काम शुरुआत हो गया, कंस्ट्रक्शन का एक्ट शुरुआत है। ऐसा छोटे छोटे विषय पर भी अभी पूरे जितने भी पेट्रोल पंप्स है उनका पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ मीटिंग किया हूँ। अभी हरदीप सिंह पुरी जी मैं मीटिंग करके सभी पेट्रोल पंप में जितने भी टॉयलेट्स है 24 आवर्स ओपन होना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। जो भी पेट्रोल पंप को आने वाले, रोड के आने वाले भी गाड़ी रोककर पेट्रोल पंप में उनका जरूरत पड़े तो टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, वैसा लुक रखना चाहिए। ऐसी छोटे छोटे विषय पर भी काम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हमारे को आदेश दिया है, वो काम चल रहे हैं।